गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जो कि है गाजर का हलवा, और कि ठंडी के मौसम में सभी के घरों में बनती है। एंड मैं बहुत ही इजी तरीके से लेकर आई हूँ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, जो कि आप बनाएं और ज़रूर ट्राई करें। आपको आई होप ज़रूर पसंद आएगा। पहले तो गाजर को अच्छे से वॉश कर लें, छील कर, एंड उसको इस तरह से एकदम ग्रीस कर लें। भी आप क्वांटिटी में गाजर लेते हैं, उतने ही क्वांटिटी में आपको दूध एंड जो मैं आगे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी आपको उतने ही लेना है। देन मैंने आधा किलो का ही यूज़ किया है। इसी तरह सारे आप ग्रेस कर लेते हैं। सारे मैंने ग्रेस कर लिए हैं। एंड नेक्स्ट मैंने रखा है कढ़ाई, और फ्लेम मैंने कर दिया है ऑन। इसमें मैंने डाला है देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देसी घी गर्म हो गया है। देसी घी गर्म होने के बाद हम इसमें सारे गाजर को डाल देंगे। फिर इसको मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि गाजर एकदम गल जाए। हमें उबालने का भी झंझट नहीं है और बहुत टाइम भी नहीं लेता। ये बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। जब गाजर का हलवा सीढ़ी में एकदम मिक्स हो जाए, तब हमें डालना है उसमें गाढ़ा किया हुआ। मैंने रखा था दूध, तो वो मैंने डाल दिया है। एंड मैंने ताजी मलाई रखी हुई थी, वो डाल दी है। उसके बाद हमें डालना है, जब मिक्स हो जाएगा, तो छोटी इलायची मैंने 4 कूट के डाली हुई है। आप देख सकते हैं कि गाजर का हलवे में खोआ या मेवा किसी चीज़ का भी ज़रूरत नहीं है। एंड बहुत ही अच्छा अभी ही लग रहा है देखने में, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर आप ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। जब ये पानी थोड़ा सा सूख जाए तो इसे आपको बंद कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये गाजर का हलवा हो गया है रेडी। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी के साथ।